गुरुजी इधर गुरुजी इधर चलो 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 कंट्री चलिए सोसाइटी चलिए कर दो चेंज जो होती जा इंडिया के लिए सोसाइटी चलिए कर दो चेंज जो होती जा इवेंट बनी रहनी चाहिए क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है द मच अवेटेड इवेंट जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ द म्यूजिक लॉन्च ऑफ द हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट एमएसजी द वॉरियर लॉ एंड हार्ड एवरीबॉडी गिव अ पिक्चर व्यो मैम MSG, the warrior lion heart का बेसब्री से इंतजार क्योंकि म्यूजिक लॉन्च का प्रोग्राम है जैसे एंट्री हो तो कितना अच्छा यहाँ पर एक्साइटमेंट लेवल दिखा और ऑलरेडी MSG, the warrior lion heart ऑलरेडी हिट हो चुकी है क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक 44-45 lakh के आसपास व्यूज मिल चुके हैं ट्रेलर को और हर सेकेंड वो व्यूज और आप सभी जानते होंगे हर सेकंड वो व्यूज मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोमोज वी हैव एवर सीन इन द सिनेमा इंडस्ट्री एंड आई नो कुछ ही देर में आपके सारे के सारे जितनी भी क्यूरियोसिटी है और मेरी भी सारी पता चलने वाला है अबाउट द मूवी अबाउट द म्यूजिक एंड यस वी आर ऑल रेडी टू विटनेस द मच अवेटेड म्यूजिक लॉन्च ऑफ दिस लवली फिल्म MSG द वॉरियर लॉन्च और योमा इंडस्ट्री वेट कर रही है भारत वेट कर रहा है और आपको बता दूं कि पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है अभी जर्मनी में ट्रेलर को मोस्ट एक्साइटेड 15 टॉप मोस्ट ट्रेलर्स में से काउंट किया गया जर्मनी में इस ट्रेलर को और कनाडा ऑस्ट्रेलिया हर जगह से रिव्यूज आ रहे हैं अभी तक क्योंकि स्पेशल इसलिए भी क्योंकि अभी तक डेट अनाउंस नहीं है और उससे पहले इतनी एक्साइटमेंट आज तक किसी मूवी की हमने नहीं देखी है एग्जैक्टली दिलावर एंड आई टेल यू फर्स्ट टाइम आई वॉच द प्रोमो आई वॉज जस्ट वॉचिंग द प्रोमो एंड मेरे मन में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन इतनी क्यूरियोसिटी की आई जस्ट वॉन्ट टू सी द फिल्म अबाउट टाइम ट्रेवल बहुत अलग अलग पीसेस चले आई जस्ट वॉन्ट टू सी द फिल्म एक सवाल तुमने कुछ गेस किया कि क्या स्टोरी लाइन हो सकती है मैंने इतने गेसेस किए दिलावर कि मैं आपको बता नहीं सकती मैंने डायलॉग सुने जो सबसे पहले वो टाइम ट्रैवल एक मेरे दिमाग में आया फिर मेरे दिमाग में पूरा वो रॉयल बैकग्राउंड दिमाग में बहुत सारी चीजें आई पर मैं बस और अब मैं जो उसको सुन के आप कहेंगे वाह ये क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्योंकि मैं अब आपको स्टार के स्टार द ट्रू मैसेंजर सबके दिलों की धड़कन द रॉक स्टार द वन एंड ओनली डॉक्टर MSG प्लीज कम ऑन द स्टेज एवरीबॉडी वेलकम जाइए क्योंकि जिस वक्त का जिस मोमेंट का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे द म्यूजिक लॉन्च ऑफ MSG वॉरियर द लॉयन हार्ट का मोमेंट आ चुका है और प्लीज आई ऑल्सो डायरेक्टर
Miss Honeypreet Insan, the co-director. Baap beti ki jodi ke liye ek jodha taliya ho jaye. Jodha taliya, come on. And along with Guruji ki beti aur unka parivar aur bahut zabardast tarike se sabse ab hone ja rahe hain wo ji ha Guruji ke bete bhi yahan par hain. The whole family. Now I would like to request Dr. MSG launch the music of MSG the warrior Lionheart. Mind blowing, everybody. My give a god big what is happening? Kya CD hai? Nahi shayad kuch different lag raha hai. Oh my god. Oh, oh my god, it's a pen drive. My god. Whoa. This is what we call as the next generation music launch. This is high tech music launch. High tech. I think no one thought before. Pen drive ke the logon ne sikhi hai. Logon ne sikhi hai. Bol baje, ho baje ne kaada. Bol baje, ho baje ne kaada. Charo darb aur chal mera. Everyone is excited about you. तो मैं चाह रहा हूं कि गाना आज पहली बार यहां बजा है. सिग्नेचर स्टेप भी आपने सिखाए सबको. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले तो प्लीज एक बार वो सिग्नेचर स्टेप जरूर करके दिखा दें. जी जी, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत. जो भी सब लोग यहां पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत. और हमें लगता है वो सिग्नेचर स्टेप थोड़ी देर में कर लेते हैं. पहले कोई और बात अगर करना चाहे या जो भी आपका प्रोग्राम है उसको कर लेते हैं. नाउ द स्टेज इज ओपन फॉर मीडिया. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस. मीडिया के लिए सवाल. यस मीडिया, प्लीज गो अहेड. आ जाओ बेटा, फैमिली फोटो एवरीबॉडी प्लीज. सो एवरीवन, ये बहुत ही रेयर मोमेंट है. प्लीज ये फ्लेक्स ये हटा देंगे तो लाइट सही हो जाएगी. जब डॉक्टर एमएसजी और उनकी पूरी फैमिली, डॉक्टर एमएसजी अलोंग विद फैमिली, इट्स टू डॉटर एंड वन सन एंड वन सन इन लॉ. और यहां पर अब द हाउस इज ओपन फॉर प्रेस. यस प्रेस, प्लीज ओवरटेक. आप बिल्कुल सवाल जो भी है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. और प्लीज गो अहेड. जी सेकंड आई थी एमएसजी 2. सर ये एमएसजी 3 के बदले आपने लायन हार्ट क्यों रखा? जो पहली फिल्म थी मैसेंजर, द मैसेंजर, और दूसरी फिल्म थी वो आपने बोला ही है कि एमएसजी का जो सेकंड फिल्म था. लेकिन ये जो थर्ड फिल्म है ये फर्स्ट टाइम है कि हम गुरु के किरदार में नहीं हैं. एक जो किरदार था राजपूत योद्धा उसके किरदार में है. तो ये फर्स्ट टाइम है कि हम एक किरदार निभा रहे हैं, ना कि एक एज ए गुरु आ रहे हैं. सर 30 डिफरेंट रोल्स आपने निभाया है पिक्चर में, ये आपने कैसे कर पाया सर? हम हमेशा कहा करते हैं कि हम एक इंसान हैं, लेकिन वो ओम हरि अल्लाह की जब कृपा होती है तो इंसानों से ऐसे काम ले लेता है. तो यही हमारे पास जवाब है. और ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे हम ये बता सकें कि काम कैसे किया. हमारे सभी साथी आज यहाँ बैठे हैं. हमारे फाइट मास्टर आवास अली जी हैं, जितने भी एडिटर साहब हैं, वो बच्चे भी हैं जो हमारे साथ फाइट किया करते थे. तो हम एक साथ तो कैसे हो जाता था, सब लोग हम बैठे बैठे खड़े खड़े डिज़ाइन बना लेते थे. कोई हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं था, वहीं स्टोरी बोर्ड बनता था डंडे से ही कि क्यों ना ऐसे ना कर लें. असल तो बातों से ही होता था. तो ये सब हम तो यही मान के चलते हैं कि शायद ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता. इसे क्या नेचुरल पावर कर सक कह सकते हैं सर? नेचुरल पावर. दोबारा से बोलिए, समझ नहीं आया. जो एक इंसान इतना सब कर सकता है तो क्या हम इसे नेचुरल पावर या पावर ऑफ गॉड कह सकते हैं? उसकी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं. ये तो आपने अभी जैसे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कार्य आपने देखे हैं कि हम A to Z कर लेते हैं.
32 नेशनल गेम ऑलरेडी हम खेले हैं, उनके कोच भी हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे इंडिया के लिए मेडल ला रहे हैं। विजेंदर ने अभी अभी मुक्केबाजी में पूरे देश का नाम रोशन किया। विराट कोहली, आप उनकी वीडियो है हमारे पास, आप देख सकेंगे कभी कि उन्होंने कैसे आके हमसे सीखा था और आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं है, ये करने वाला ओम हरि अल्लाह राम है, क्योंकि वो शक्ति देता है, वरना एक इंसान इतने काम सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। जब भी आपने नाम लिया है अपने सेवा जो क्रिकेटर्स एंड ऑल, तो वो कभी आपका नाम लेते हुए कभी दिखाई नहीं दे सर, ऐसा क्यों? वो चाहे ना लें, लेकिन आपको जल्दी ही हम उनकी वीडियो भी दिखाएंगे। जब वो छोटे से बच्चे थे, बच्चे नहीं कह सकते, यूथ थे, वो हो गए शिखर धवन, हो गए जगदीश नेहरा है, जहीर खान है, यूसुफ पठान, बिल्कुल ऐसे हुआ करते थे जब वहाँ गए थे और बताया करते थे कि मस्जिद में मैं हम लोग रहा करते थे और कैसे वो आगे आए, तो उन्होंने आके हमें बोला बकार जूनिस है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हमारे पास आया करते थे और वो पूछा करते थे, क्योंकि हम खुद प्लेयर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद उनके साथ हुई, तो वो जानते हैं। वो नाम नहीं लें, उनकी मर्जी, ले ना लें, लेकिन वो हमसे ऐसा पूछा था, उन्होंने हमसे बहुत उनको बताया भी था, सिखाया भी था। So, Babaji over here. Hello, Mike. Babaji over here. Firstly, I would request you to please take my question on a positive note. जी जी, कोई बात नहीं बेटा, जो भी आप पूछेंगे। जैसा कि आपका नाम है बाबा राम रहीम इंसान, तो नाम से ही काफ़ी मोहब्बत झलकती है आपकी, लेकिन few days back किक्कू शारदा का जो मामला हुआ था, तो वो कुछ इंसानियत के हिसाब से ज़रा फिट नहीं बैठता था, तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर कुछ ऐसा हादसा अगर आगे? जी जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने तब भी स्पष्टीकरण दे दिया था, फौरन हमने ट्वीट भी किया था, और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने स्वस्थ अगर मिमिक्री की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हम शराब पी रहे हैं, हम नोट बांट रहे हैं, जिसकी वजह वो किसी ने नहीं उठाई चीज़ कि उसकी वजह से लोगों को दुख लगा, क्योंकि हमने 5 करोड़ नहीं, आज 6 करोड़ की शराब छुड़ाई है, 6 करोड़ का ड्रग छुड़ाया है, और वहाँ दिखाया गया कि हम पी रहे हैं, वहाँ उन चीज़ों को लोगों को इतराज़ था, ना कि उनकी मिमिक्री का या किसी ऐसी चीज़ का। जी बाबा जी, सत श्री अकाल। जी नमस्कार। हाँ, आपके फैशन स्टेटमेंट का कुछ बताइए हमें। हाँ, फैशन हमें लगता है कि जब हमने MSG 1 जो मैसेंजर के रूप में आई थी, तभी से हमने शुरू किया था, उसके बाद बहुत सारे एक्टरों ने शुरू कर दिया है पहनना, पहले लड़कियां पहनती थी और अब लड़के भी पहनने लगे हैं, और ये डिज़ाइन हम खुद ही करते हैं, ये आज भी कपड़े जो पहने हम डिज़ाइन करते हैं और बैठे बैठे डिज़ाइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से टाइम निकालें। बहुत बार इन हमारे इन साथियों ने देखा होगा शूटिंग के दरमियान ही हमने कोई तलवार बनानी है, ये गदा बनानी है, ये चीज़ बनानी है, तो वहीं बैठे बैठे फट से बना दिया करते, तो ये सब भी उसी की कृपा है। थैंक यू जी। बाबा जी यहाँ पे आपके स्ट्रीट में। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम वसीम अख्तर है, मैं इंडिया न्यूज़ से हूँ। यहाँ पे जो आप मंच पे बैठे हुए हैं, आपको देख के एक शेर याद आता है, इजाज़त हो तो कहूँ? जी 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 जी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तेरी तकदीर से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तो सब कुछ कर लिया है जीवन में, कुछ बाकी रह गया जो करना चाहते हैं? अभी तो हमें लगता है शुरुआत है हमारी क्योंकि उस खुदा के ही बंदों को सुधारना है, और आप खुद भी जानते हैं कि कितने के सुधरे हैं, अभी थोड़े ही सुधरे हैं, 6 करोड़ लोगों का अगर हमने ड्रग छुड़ाया है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे देश से अलग अलग धर्मों जात, वहाँ किसी को ऐसे नहीं मानते, बस एक मानते हैं कि सब मालिक के बंदे हैं, बस बात ख़त्म, कि उस मालिक ने सबको बनाया है, और हमारा सबसे बड़ा एम वही है, लोगों को ड्रग छुड़वाते हैं, उनकी बैड हैबिट पर वो खुद कंट्रोल कैसे करें उनको सिखाते हैं, और ये सिखाते हैं कि आप कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से आप प्राप्त कर सकते हैं, ये यूथ को बताते हैं। तो हमें लगता है 6 करोड़ ने सीखा है, तो अभी शुरुआत ही मानेंगे, पूरी जनसंख्या के अनुसार लगे हुए हैं कि लोग बदल जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। जी, दूसरा एक और सवाल है कि बहुत सारा काम, अच्छे काम हमने देखे आपको करते हुए, आपको लगता है जहाँ पे देश है हमारा आज, बहुत बड़ी समस्याएँ हैं, आपको क्या लगता है कौन सी बहुत बड़ी समस्याएँ हैं जिसमें बाबा को अपना साथ देना चाहिए और लोगों को लोगों में सुधार लाना चाहिए? जी हमें लगता है सिर्फ बाबा को नहीं, हर इंसान को साथ देना चाहिए, तभी समाज बदलेगा, अकेला बाबा कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, भगवान अल्लाह राम भी आए हैं, उसके पैगंबर भी आए हैं, लोगों ने साथ दिया तभी समाज बदले हैं, संत आए, ऋषि मुनि आए, अगर वो अकेले होते कुछ नहीं, जब वो कदम चले तो लोगों ने साथ साथ कदम उठाए।
आज बहुत सारी समस्याएं हैं। हम 125 मानवता भलाई के कार्य शुरू कर चुके हैं, जिसमें रिश्वत नहीं लेना एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बात है। हम उनसे फार्म भरवाते हैं, रिश्वत देना नहीं और लेना नहीं। लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों ने वो फार्म भर दिए हैं, हमें लगता भी शुरुआत है। और इसी तरह बहुत से कार्य है, जैसे लड़के लड़कियों से फार्म भरवाते हैं कि आप लड़के जो हैं वो लड़कियों को गलत हरकत नहीं करेंगे और लड़कियां लड़कों को उस तरह उकसाएंगी नहीं या ऐसा नहीं करेंगे, तो वो भी फार्म हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ भरे जा रहे हैं। तो इस तरह समाज के में बहुत सारी बुराइयां, जो आपने बोला बिल्कुल सही है, इतना ज़्यादा समाज में बिगड़ा हुआ समाज है कि पूछिए मत। लोग ये सोचते हैं राम राम, सामने वाला पूछता बोल क्या चाहिए, यार सलाम या राम राम नहीं बोल सकते, कहता मैंने सोचा कुछ लेना होगा, मतलब आगे से जवाब वैसा नहीं मिलता। तो ऐसा खुदगर्ज ये जमाना है, ऐसा समय है। बाप को भी लोग तभी ज़्यादा प्यार करते हैं अगर उसकी जेब काफ़ी भारी हो, हल्की हो तो कहते हैं यार बाप था तो था, मैं क्या करूं। मतलब आज का ऐसा लोगों के मुँह से सुनते हैं, जबकि हमारी सभ्यता गजब की है, चाहे किसी धर्म को ले लीजिए, वो वर्ल्ड का नंबर वन था, वन है, और मालिक ने चाहे उसको वन ही रख के देखेंगे जी। इजाजत हो तो एक सवाल और मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अक्सर जब शाम को टेलीविजन हम लोग खोलते हैं तो उस पर डिबेट चलता है कि हिंदू मुसलमान रिलीजन को लेकर के, तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जहाँ पे हम दोनों समुदाय को, हिंदुस्तान के जितने भी समुदाय को हैं, सबको एक कर सके? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। MSG 2 में भी हमने एक डायलॉग बोला था, फिर से आपकी नज़र करते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। धर्म मजहब बुरे नहीं होते, बुराई जिसके दिमाग में आ गई, क्या पता वो कौन सा पहनावा पहन के घूम रहा है, वो गलत हो सकता है। हमने हर धर्म को रिसर्च किया है, तो धर्म में गलत कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। बाबा जी, आई एम कुमार मोहन हियर, कैन यू पुट सम लाइट ऑन दिस टाइटल लायन हार्ट? जी, डिफाइन करिए उसमें क्या है, इसका टाइटल से क्या प्रिय है आपका? जी जी, जो लायन हार्ट है, अगर हिंदी में बोलें तो शेर दिल की, वो एक ऐसा टॉप एजेंट है इंडिया का, सीक्रेट एजेंट लायन हार्ट, जो कि पूरे देश के लिए लड़ता है और ख़ास करके बहनों की इज्जत के लिए और धरती माँ की इज्जत के लिए। तो ये फिल्म उसके बैकग्राउंड में जाती है कि वो बना कैसे, तो वो क्या था, एक योद्धा था, कैसे उसने शुरुआत की, कैसे उस समय आज से 300-400 साल पहले एलियंस आए, कैसे वो इस धरती में अपने वंशज को चलाना चाहते थे और कैसे वो उनसे लड़ा, और उसमें बहुत सारी उसकी पारिवारिक स्टोरी भी है। तो वो बैकग्राउंड में जाते हैं लायन हार्ट के, तो वो शेर दिल होता है और फिर से वापस आते हैं तो वो लायन हार्ट है। तो ये फिल्म बैकग्राउंड में ज़्यादा चलती है, और फिर इसका असल में हकीकत ये है कि इसका सेकेंड पार्ट पहले लिखा गया था, फर्स्ट हमने बाद में लिखा, कि वो जरूरी था कि भाई इसका आखिर किसी ने बोला कि गुरुजी ये लायन हार्ट बना कैसे, क्योंकि वो बहुत ही हाई टेक है। जो लायन हार्ट आपने देखा होगा, तलवार फेंकता है पेन बना के यहाँ रख लेता है, पेन को फेंकता है तो तलवार बन जाती, तो वो बहुत हाई टेक है, लेकिन किसी ने वैसे ही बोल दिया गुरु जी ये इसका ये बना कहाँ से। हमने कहा कल को बताएंगे, तो एक घंटे में मालिक की कृपा से हमने वो स्टोरी बनाई जो आज आपके सामने, और 1.5 दिन में विद डायलॉग स्क्रिप्ट हमने ये तैयार करके शूटिंग शुरू कर दी थी। ग्रेट ग्रेट। वेल बाबा जी, आपके ड्रेस सेंस की बात करें, जैसा मैम ने कहा अभी, काफ़ी यूनिक ड्रेस सेंस है, और हीरोइज्म की भी आप एक नई डेफिनेशन लेके आ रहे हैं, जैसा कि नॉर्मली और एक्टर्स हैं, अक्षय हों, ऋतिक हों, या हुएवर, आप नॉर्मली आपका बॉडी जो है, फिजिक जो है, दैट्स नॉट मस्कुलर, सो हू इज़ दैट फैशन, हु इज़ योर फैशन आइकॉन, और कौन ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप एडमायर करते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में? हम तो हमेशा आपसे कहते रहे, एक को ही हम मान के चलते हैं और वो है ओम हरि अल्लाह राम, उसी को मान के चलते हैं। और जैसे आपने जो सवाल किया, हमने कभी किसी एक्टर को बुरा कहा ही नहीं, हर कोई अपना अपना काम करता है, हर कोई अपने अपने काम में मस्त है। जिसका काम आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है, जिसका अच्छा नहीं लगता बेचारा वो कई बार घर में चला जाता है। तो हमारा ऐसा कोई आइकॉन, कोई एक्टर ना तो इंडिया का या ना, क्योंकि हमारा बचपन से एम ओम हरि अल्लाह राम था, कि उसी की भक्ति इबादत करना है, और ये अपने आप और हम करते जा रहे हैं। और जो आपने देखा था मस्कुलर, अगर 13 टन की बस खींच दें तो वो मस्कुलर है, और अगर हम नहीं खींच पाए तो हम मस्कुलर नहीं है, ये हमें कुछ बात जची नहीं, क्योंकि वो 13 टन की रियल में बुलेट प्रूफ बस थी जो हमने गराज पे खींची है, क्योंकि किसी ने चैलेंज किया था, पूरे वर्ल्ड में से लोग आए हुए थे साइंटिस्ट, कि गुरुजी ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये 0 होता है, तो हमने कहा वो सामने बस खड़ी है बुलेट प्रूफ,
कहते हाँ जी, तो आप खींच के दिखाओ, तो वो 25 लोग लगे, ग्रास पे थी, वो हिली भी नहीं। हमने कहा अब हम देखते हैं, तो हम कहीं से शूटिंग करके आ रहे थे, आपने पगड़ी देखी होगी, वो शूटिंग थी कहीं, तो हमने ऐसे बांध के छाती पे एक पट्टी लगा के पिल्लो मोटा और रस्सा बांध के, तो उसको खींचा और वो मालिक की कृपा से 14 मीटर चलेगी लगभग 13 टन की बस। तो ये मस्कुलर से पावर नहीं आती, हमें लगता है पावर ईश्वर की शक्ति से और आदमी का कमाया हुआ शरीर। हम पूरा पूरा दिन फावड़ा चलाते थे जब हम एग्रीकल्चर करते थे, हालांकि बहुत बड़ा घराना था, पर लगातार हमने जिम बहुत कम किया है। ये आपने जो शॉर्ट देखे बच्चों को सिखाने के लिए, बहुत हम ऐसा करते थे, लेकिन अदरवाइज हमने प्रैक्टिकली काम धंधा बहुत ज़्यादा किया। अच्छा गुरु जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। माय नेम इज विजय तस्वीर। जी जी विजय जी। सर ये जो म्यूजिक का आप इसमें आप कुछ इन्वॉल्व रहते हैं सर, माइंड ब्लोइंग सर। जी जी बिल्कुल। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप इन साथियों से भी पूछ सकते हैं जो हमारे साथ काम करते, जब भी हमें फुर्सत मिलती थी हम भाग के जाते, जब मान लो 2 घंटे हमारा शॉट नहीं है तो हम इनको कहते हम अभी आए और हम जाके वहाँ म्यूजिक बनवाते थे, पूरा सेटअप कंप्यूटर लगे हुए हैं पूरा सब कुछ, और बताते थे कि नहीं ये वाला नहीं, यहाँ ये आना चाहिए, यहाँ ये आना चाहिए, तो 100% ही हम उनको देते थे और तभी ये उसकी कृपा से ये संभव हो पाया कि बहुत जल्दी ये म्यूजिक बना, फिल्म के साथ साथ म्यूजिक भी बनता गया साथ साथ। मैं हाँ सर जी, हेलो जी जी, कुछ जी टाइटल जी ट्रैक के बारे में कुछ बताएंगे सर? ये जो सॉन्ग है, जो वो योद्धा है जब वो जीत के आता है तो उसकी खुशी में उसके परिवारजन गाते हैं, और जब हम ये शूट कर रहे थे आज संतोष जी शायद हमें दिखे नहीं, जो DOP साहब हमारे साथ लगे हुए थे, हम इकट्ठे करते थे वो शॉट वगैरह लेना है, तो एक ढोल आपने देखा होगा ये 21 फुट ऊंचा है और लगभग 30 फुट चौड़ा है, और ये जब बनाना था तो एक ही इसके साइड में 10 फुट की प्रकार यानी 20 फुट का एक नगाड़ा है, तो एक ही नगाड़ा था, और हम सुबह 5 बज गए पहला शॉट लिए, वो दूसरे थे, ये लास्ट में शॉट लेना था, तो हमने कहा ये तो एक तो गंदा लग रहा है, चलो अपना एक और बनाते हैं, तो वो पूरे दिन में एक शॉट बना, फिर उसको उठाना था तो आप जानते हैं फिल्मी कैसे फिल्मी तरीके से उठाया, वैसे तो कैसे कोई उठा ले क्योंकि वो ठीक भी नहीं लगता, और जैसे हमने उठाया, उठा के उसको निकलना था नीचे से, तो ये जो गिरा और आसपास जो इसकी धूल उड़ी थी वो शायद रियल में कुछ पता नहीं क्यों नहीं आ पाई, तो वो अपने आप में बच्चे डर के भागे थे जो डांस कर रहे थे, फिर दोबारा से डांस करवाया, तो ऐसी कई चीज़ें इस सॉन्ग में हुई हैं जो एट द स्पॉट ही हम लोगों ने क्रिएट की कि वो एक दिन में इतने बड़े बड़े सेट बने। तो संतोष जी ये DOP साहब यही कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे सेट पे देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े कोरियोग्राफर से देखा है, आर्ट डायरेक्टर को देखा है, लेकिन ऐसे एक दिन में ऐसा कुछ बन जाए ये पॉसिबल नहीं। हमने कहा यहाँ मालिक का नाम है उसी वजह से पॉसिबल, तो ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिली, और गाते टाइम कुछ ऐसा लगा नहीं क्योंकि हम लगातार 130 कंसर्ट पूरी पूरी रात गाते रहे हैं, तो ऐसा अलग से कुछ लगाने की अलग से कुछ करना पड़ा। अच्छा गुरु जी, ये मूवी अपना कितने दिन में शूट हुआ है? ये अगर दिन काउंट करें और घंटे 298 घंटे 298 जो घंटे हैं इस पे लगे हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें सत्संग करने जाना पड़ता था, टाइम पीरियड उस तरह से नहीं, अगर काउंट करें तो 25 दिन जो मान के निकाले गए कि 25 दिन में ये पूरी मूवी शूट हुई। बाबा जी, आजकल फिल्म मेकिंग के बाद का जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो है फिल्म की पब्लिसिटी, फिल्म को प्रमोट करना, तो अक्सर ये देखा जाता है कि चाहे वो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए टेलीविजन रियलिटी शोज़ में जाते हैं, तो इस बार क्या ऐसा कुछ मौका रहेगा, जाएंगे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए या इनविटेशन आ चुका ऑलरेडी? जी ऐसा कोई इनविटेशन आया होगा तो वो हकीकत वालों को पता हो सकता है, क्योंकि जब भी वो कहते हैं कहीं जाना है, पिछले जो MSG 1 में हम गए थे पूरा इंडिया में गए थे, MSG 2 में थोड़ा कम गए, और इस बार अभी हमने उनसे कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि हम कल ही आए हैं, तो अभी पूछेंगे उन्होंने क्या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है, अगर बनाया तो ज़रूर जाएंगे, नहीं बनाया तो आप लोग हैं ही ना, तो हमें लगता है काफ़ी है। तो गुरुजी, गुरुजी यहाँ पर जी जी लाइट बहुत तेज है, लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट जी जी सर, अभी कुछ समय के बाद आपको एक अवार्ड मिलने जा रहा है, तो क्या उस बारे में आप कुछ बताएंगे? जी अवार्ड के बारे में हमें वहाँ पे जाके की सज्जन ने यहाँ के मुंबई के बताया था कि गुरुजी ऐसा अवार्ड है,
तो हमने कहा हम मानवता भलाई के जो कार्य कर रहे हैं, ये हकीकत आपने देखी है, ये शूटिंग नहीं है, ये रियल शॉट आपने जो देखे थे कि जो वेश्यावर्ती में लिप्त लड़कियां हैं उनको हमने अपनी बेटी बनाया और 17-19 शादियां हो चुकी हैं, ऐसी जो लड़कियां जिनको लोग फेंक देते हैं, कुत्तों के आगे से भी हम बच्चियों को उठा के लाए, खुद भी और बहुत सारी, तो ऐसी अब तक 30 बेटियाँ वो हो गई हैं। तो ऐसे कार्य हमने बहुत सारे चला रखे हैं और 91 से चलाए हुए हैं बहुत सारे कार्य। तो वो सब जब उन्होंने देखा तो वो कहने लगे गुरुजी वैसे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस अवार्ड को लें ताकि दुनिया तक वो बात जाए। तो हमने कहा फिर कोई हर्ज नहीं, अगर आप ये दुनिया तक बात पहुंचाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे एक आपके यहाँ आने से अगर ये बात वहाँ जाती है, हम तो कब से इसीलिए लगे हुए हैं कि समाज उस बात को समझे और बेटियों को गर्भ में ना मारे। और बेटियों के साथ ये जो ज़बरदस्ती या ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एसिड अटैक, हमने उसके लिए वहाँ स्किन बैंक भी बनाया है, किसी बच्चे की बाइक पे चोट लगती है या बच्चे की, तो इस तरह वो चीज़ें सब दुनिया में जाएंगी, लोग जागरूक होंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी। सर और एक सवाल है मेरा। जी जी, आपके आप ऐसे कहते हैं कि आपने जो आपकी किसी की फरमाइश होती है आपके चाहने वाले की, वो आप पूरा कर देते हो ऐसे कहते हैं। जी जी, तो मेरा सवाल ये है सर, अब तक आपने 1000 ड्रेसेस बनाए अपने आप पर, सर इसको कहाँ पर आप रखते हैं? जो भी ड्रेस हम बनाते हैं, हकीकत ये है कि इन ड्रेसों को बाद में जो लोग चाहवान होते हैं उनको दे देते हैं, हम रखते ही नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारा यूथ आता है और वो, उनको हम शर्त ये रखते हैं कि इसके बदले में आप इतने लोगों का इलाज करवाएंगे, बैंक में पैसा जमा करवाएंगे। और वो लोग जाके, एक खाता खुला हुआ है शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का, तो वहाँ पैसा जमा करवाते हैं, फिर उनके वो पैसे चेक के द्वारा जिसको ज़रूरत होती है उन तक रोज़ाना या हफ्ते में एक बार संडे की संडे लोगों तक पहुँच जाता है। स्टेट जी बेटा, सर जी आज मोदी जी का जन्मदिन है तो आप कुछ मैसेज ही देना चाहेंगे उनको अपने अंदाज में? जी, हमारा अंदाज है कि उन्होंने एक शुरुआत जो हमारे सारे धर्मों की है तब भी की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और आज भी की है कि वो माँ के चरणों में जाके बैठे थे। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, जन्नत होता है, ऐसा सबने बोला है। कम पूरी दुनिया में ये चीज़ जाती है कि हाँ, चाहे आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, माँ के लिए तो वो छोटा बच्चा ही होता है। तो ये बड़ी चीज़ हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का बहुत ऊंचा नाम हुआ है। बाकी जो कार्य कर रहे हैं, जो हमने सुना और जो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे लगे वो कार्य, जैसे सफाई माँ अभियान को उन्होंने अपनाया, बेटियों वाले मुद्दे को उन्होंने उठाया, तो और भी वो जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन हथेली पर सरसों तो नहीं जमती, पर उम्मीद जरूर है कि वो हर कौम के लिए, हर देशवासी के लिए जरूर अच्छा करेंगे। बाबा जी नमस्ते सर, मेरा नमस्ते बेटा, मेरा नाम किशन है सर। जैसे कि आपने विमेन एम्पावरमेंट की वीडियो हमने देखी, आपने वैश्या महिलाओं को भी आपने शादी कराया, हाँ सर, तो मेरा सवाल है सर, हाल ही में मुस्लिम समुदाय में जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है ट्रिपल तलाक को लेके, आपको लगता है कि इसे बैन करना चाहिए क्योंकि विश्व भर में इसे बैन किया गया है, आपकी क्या राय है इस पर? हमने यहाँ तक धर्म को पढ़ा है, हम अपने अकॉर्डिंग कहेंगे, हम किसी और के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हमने सभी धर्मों को, जैसे चारों वेद पढ़े हैं, गीता रामायण महाभारत, तो इन पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा, उसी के साथ पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद, इन पे हमने रिसर्च किया सभी धर्मों पे। तो उसमें हमें नहीं लगता कि पैगंबर साहब ने कभी ये कहा होगा कि किसकी बेइज्जती करो या किसी को पल में बेघर कर दो, हमें लगा नहीं उनकी बाणी पढ़ के, उनकी एक एक अल्फाज पढ़ के हमें लगा ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। बाकी इसके विचारक जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि धर्म का मुद्दा है, लोग हमारी बात का तो वैसे ही जरा इसी बात को उठा लेते हैं, लेकिन ये हमारा नज़रिया है कि उनका पहला रहमान रहीम, कि जो रहमान है वो रहमो करम करने वाला है, ये उनका पहला अल्फाज है। तो जो रहम कहता है वो कभी किसी पे जाती हो जाए ऐसा सोच नहीं सकते। बाबा जी आपका इतना हेक्टिक स्केड्यूल होके भी आप इतने फ्रेश और एनर्जेटिक कैसे लगते हैं, क्या राज है? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता था, वहाँ शूटिंग करते थे, आपने बेटा जो कहा बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोग ऐसा मानते ही नहीं थे। हम आपको इसी बात का जवाब देने से पहले बताएंगे कि हम बेटी के साथ आ रहे थे मुंबई में पिछली बार, तो हमारे साथ उनका बेटा बैठा हुआ था,
तो वो एक एयर होस्टेल लड़का आया, कहता गुरु जी ये आपका बेटा है? हमने कहा नहीं, हमारी बेटी का बेटा है। कहता हो ही नहीं सकता। हमने कहा यार बेटी का बेटा है। कहता नहीं नहीं नहीं, मानते नहीं मैं। वो चला गया, वहाँ बेटी पीछे बैठी थी। कहता दीदी वो सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आगे जो ऐसे गुरु जी बैठे हैं तो उनके पास बच्चा किसका है? कहती मेरा बेटा है, हमें आके सॉरी बोला। कहता गुरु जी है तो उनका बेटा पर मैं नहीं मानूंगा, मुझे लगता आपका है। तो हकीकत ये है बेटा, हम जो हमारे सारे धर्मों का निचोड़ है कि भाई इबादत करना चाहिए, कलमा अता करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, गुरुमंत्र मैथ्रो मेडिटेशन करना चाहिए। हमने शायद 5 साल की उम्र से वो शुरू किया था और आते आते हम 15-15 घंटे भी करते रहे और उससे ऐसी एनर्जी आती है, ऐसी ताकत आती है, सामने क्या आ रहा है, लोग आपको क्या बोल रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता। हम सही मार्ग पे जा रहे हैं तो चलते ही जाएंगे, लोग कहने वाले कहते रहे क्या फ़र्क पड़ता है हम, तो शायद वही कारण है ये सब कुछ। अदरवाइज बेटा अलग से हमने ऐसा कुछ किया नहीं। थैंक यू जी। जी बेटा। गुरु जी मेरा सवाल दोबारा आपसे लेफ्ट में है। जी जी, लेफ्ट लेफ्ट में, लेफ्ट जी। सर स्क्रीन में तो आप बड़े क्या कहते हैं कि गुस्से से पेश आ रहे हो, सभी को मार रहे हो, अब रियलिटी में आपको गुस्सा आता है क्या? जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। फिल्म में फिल्म का अंदाज निभाना पड़ता है, रियलिटी में भी कभी कभार गुस्सा आता है और उसका कारण होता है कि हम एक संत हैं, एक फकीर हैं, हमें लगता है कि ये इंसान ये गलत काम कर रहा है और अगर इसको रोकेंगे नहीं तो इसके आने वाले दिन बहुत ही ख़राब हो जाएंगे। हम प्यार से रोकते हैं, इज्जत से रोकते हैं, नहीं मानता तो कई बार थोड़ा गुस्से में भी बोलते हैं ये तू करता क्यों नहीं, मानता क्यों नहीं, इस टाइप। तो इस टाइप का तो हमें आता है, सभी क्रू मेम्बरों ने भी देखा है, लेकिन उसके पीछे हमारा पर्सनल कुछ ऐसा होता हो कि मेरे कपड़े ख़राब कर दिए या मेरा ये कर दिया, उसके लिए कभी हमने कभी सोचा ही नहीं, गुस्सा आना तो बहुत दूर की बात है। हाँ ये चीज़ें ज़रूर होती थी कि जी आपकी आवाज ही काफी है। गुरु जी मैं आपसे एक लास्ट सवाल है, ये फिल्म के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लाइन हार्ट, आप हमारी जनता को देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि लोग उसके ऊपर अट्रैक्शन लें और इस बातों को जाए, मैसेज जाए आपका, लोग उसको देखें? जी इस पूरी फिल्म में एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया का जो यूथ है, नौजवान है, उसने पूरी दुनिया का नाम रोशन कर छोड़ा है। अगर बाहर टेक्निक है तो हमारे यहाँ हाई टेक्निक है। हमारे बच्चों के माइंड बहुत ही पावरफुल हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। आपने लॉयन हार्ट में देखा वो जो स्टंट कर रहे हैं कि पेन से ये बना वो बना वो बना, ये रियल में भी ऐसा हो सकता है, इतना ज़्यादा माइंड है इन बच्चों का क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। एक छोटा सा उदाहरण, एक डॉक्टर थे हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने हमसे पूछा कि गुरु जी हार्ट में ब्लड कैसे जाता है, सीधा फ्लो है या लाइक ए बुलेट? हमने कहा हम कौन सा डॉक्टर हैं? कहता मैं आपका शिष्य तो हूँ, आप गुरु हैं तो बताना पड़ेगा। तो हमने सोचा, ईश्वर से प्रार्थना की, ख्याल आया कि लाइक ए बुलेट होता है। तो उसने इंडिया में बहुत ट्राई की, बहुत ऊपर तक गया, लास्ट सबसे टॉप भी गया, लेकिन उसको नहीं माना गया, बहुत साल पहले की बात। उसने जाके यूएसए में वो अपने कागज सबमिट कर दिए और यूएसए ने उसको मान लिया। आज हार्ट की जो मानी जाती है थ्योरी, वो बुलेट लाइक ए बुलेट ब्लड जाता है, पहले वाली थ्योरी सब फेल हो गई और वो यूएसए का टॉप डॉक्टर है। सो कहने का मतलब कि यूथ हमारा इधर का दिमागी तौर पे या पावर के तौर पे किसी से कम नहीं है, पर उनको सही मौका मिल जाए तो हाईटेक। इसमें थोड़ा सा हमने वो चीज़ें दिखाई हैं और फिर ये दिखाया है, क्योंकि आमतौर पे फिल्मों में देखा गया, बच्चे बताया करते हैं कि ज़्यादातर यही दिखाया जाता है, भारत तो बड़ा ही गरीब है जी, ये तो ऐसा है जी, इस पर तो बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हमने ये दिखाया है हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। एक ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं, लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ते थे और इसमें जो योद्धा है वो बहनों की इज्जत और धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए लड़ता है, ताकि आज का यूथ जाग जाए, इज्जत लूटने की बजाय इज्जत बचाने में लग जाए, तो शायद इस भारत में कभी कोई ऐसा झगड़ा हो ही ना और ऐसी चीजें नफरत फैले ही ना। गुरु जी अभी ये आपकी थर्ड फिल्म आ रही है? हाँ जी हाँ जी। और रिसेंटली आपको दादा साहब फल्के अवार्ड भी मिला और वहाँ पे उसमें सुना कोई फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, कुछ वेलफेयर के लिए कुछ करने वाले हैं, थोड़ा हम सब लोगों को बताइए कुछ अपना फिल्म इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए कुछ आपके बड़े प्लान्स हैं बताइए। जी जी हमने जो सोचा था वो यही सोचा था कि कोई भी जैसे फाइट मास्टर आते हैं हमारे आए, उनसे भी हमने बात की थी कि अगर किसी के चोट लगती है और वो पूरे लाइफ के लिए बिल्कुल अंगहीन हो जाता है या बेरोजगार हो जाता है तो हम उसका पूरा साथ देंगे,
किसी को ब्लड की जरूरत है, क्योंकि इस आ गए हैं अब इसमें फिल्मी जगत में, तो इसमें अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फ्री में उसे ब्लड डोनेशन किया जाएगा। मालिक ना करे ऐसा हो, पर किसी के थैलेसीमिया के मरीज बच्चा है या इस टाइप का, तो उसका पूरा साथ देंगे। और कोई नशा कर रहा है किसी का बच्चा और हद से ज़्यादा उसके माँ बाप दुखी हैं कि भाई ये निकल ही नहीं पा रहा, तो हम वहाँ जब बच्चों को रखते हैं वो टोटली फ्री होता है, रहना खाना पीना सब, और सिर्फ मंत्रा वो जो कलमा कह लें गुरु मंत्र कह लें, वो उसके द्वारा हम टोटली नशा छुड़वा देते हैं। तो ऐसा नशा छुड़वाने के लिए भी उन बच्चों को ले जाके हम उनका छुड़वाएंगे, बस परिवार का एक मेंबर उनके साथ रहेगा, उनका भी रहना पीना खाना सब फ्री होता है। तो ये सारी पहल हमारे दिमाग में है और आज आपके द्वारा बताना भी चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी मजबूर इंसान जो इस जगत से जुड़ा है और वो ऐसा कुछ उसके साथ हो गया है तो वो जरूर मिले और हमारे लोग उनसे मिलें ताकि उनकी वो समस्या दूर कर पाए। जी बाबा जी, एक सवाल सर। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि बॉलीवुड के हर कोई स्टार, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, वो कपिल शर्मा के शो में जाता है, क्या आप भी जाएंगे फिल्म प्रमोट करने के लिए उनके शो में? वही बात बेटा कि अगर उन्होंने ये टाइम लिया हुआ है हकीकत वालों ने तो जरूर जाएंगे, और अगर उन्होंने नहीं लिया हुआ तो आपको बोला कि आप चौथा स्तंभ हैं, हमें लगता है इससे बड़ी मशहूरी और इससे बड़ी बात दुनिया तक और कैसे जाएगी। आप भी तो स्टार हैं, ये हकीकत है, हम आपके कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि हम फकीर हैं, मक्खनबाजी कोई और करता होगा, हम संत हैं, तो हमें लगता है कि आप चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं है, आप समाज को वो बात पहुंचा दें जो सच सच होती है, तो हो ही नहीं सकता कि समाज ना बदले, इसलिए आप चौथा स्तंभ हैं। तो आपके सामने जब बात हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आप तक संदेश पहुँचाए और आप दुनिया तक पहुँचाएंगे। बाकी उनका अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमें जाने में कोई ईगो या ऐसा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा जी, जैसे कि आपने मीडिया के बारे में बात किया, तो दो दिन पहले 3 पत्रकारों को पीटा गया, बदसलूकी की गई हमारे एंटरटेनमेंट के, सभी वरिष्ठ पत्रकार थे, तो क्या कहना चाहेंगे? ऋषि कपूर जी ने उन्हें बदसलूकी की, रणधीर कपूर ने हमारे एक न्यूज 24 के पत्रकार को, कमल सर को उन्होंने मारा, और दूसरे पत्रकार को एक सुमित सर है जो एंटरटेनमेंट के हेड वरिष्ठ पत्रकार है इंडिया टीवी के, उनको भी गिराया गया। तो आप कैसे देखते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स पत्रकारों से बदसलूकी की गई? आप एक बाबा है, आप हमेशा एक अच्छा ही मैसेज भेजते हैं हर जगह, लोगों को एक गुड मैसेज आप भेजते हैं, तो पत्रकारों को पीटना, बदसलूकी करना, आप कैसे देखते हैं? अगर जैसे आपने बताया, क्योंकि हमने ये न्यूज़ देखी नहीं है और हमें पता नहीं हुआ क्या वास्तव में, अगर उन्होंने ऐसे मारा पीटा है तो ये बहुत ही गलत बात है। हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, कोई किसी का गला नहीं दबोच सकता। और दूसरी बात, अगर कोई धक्का मुक्की में कोई गिर जाता है वो एक अलग चीज़ है, उसको मारना हमारी नज़र से नहीं है। और तीसरी बात ये है कि आपस में जब आप लोग पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दें, अगर नहीं देना तो आप ये कह सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाथापाई करना हमारे नज़रिए से बहुत ही गलत है। आश्रम में ऐसा अगर कोई कर देता है, क्योंकि वहाँ 6 करोड़ लोग आते हैं, कोई ना कोई अगर ऐसा बोल देता है, तो हमारे पहले गुरु जो श्यामस्ताना जी महाराज आए थे, वो सेवादारों को कहा करते थे कि आप 24 घंटे व्रत रख लें, खाना ना खाएं, ताकि आपको पश्चाताप आए, यार मैंने ऐसा किया था, कम से कम समझ तो आए। तो हमें लगता है ऐसी पहल अगर लोग कर लें तो आगे से शायद वो ऐसा ना कर पाए, 24 घंटे काफ़ी है दो दो घंटे खाने वालों के लिए। नमस्ते जी, मेरा ये सवाल है आपको, साहब यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका जो सच्चा डेरा जो यूपी कैसे पंजाब के बाजू यूपी का उत्तर भारत के ऊपर है, बरनावा, और आपका जो अभी उसकी और शाखाएं भारत में बना सकेंगे, और जिस तरह से आप उस एरिया में पब्लिक लोगों के जिस तरह से सब प्रकार के सेवा प्रकार दे रहे हैं और सुधार रहे हैं, तो साउथ में या उस तरफ में उसकी आपकी कुछ शाखाएं खोल रहे हैं। और दूसरा ये मेरा सवाल और भी है कि आपके पास बहुत सेवक लोग हैं, क्या भविष्य में आगे कुछ उन लोगों को राजकारण में सामाजिक में लाने की इच्छा कर रहे हैं? जैसे आपने पहली बात की, तो हमारा मुख्य आश्रम जो हरियाणा में, राजस्थान पंजाब का बिल्कुल वो बॉर्डर एरिया है, दिल्ली का भी और यूपी में भी आश्रम है, यहाँ पनवेल में आश्रम है, 94 में यहाँ पे हम लोग आए थे, 92-93 में यहाँ हमने बहुत सत्संगें की थी, तो यहाँ भी एक आश्रम है। तो पूरे देश में जगह जगह पे आश्रम है, विदेशों में भी हैं, लेकिन उसका मेन जो बात है वो यही है, किसी से दान नहीं लेते, अपने पैसों से ज़मीन खरीदी जाती है, और वहीं के लोग अगर चाहते हैं कि आश्रम बनाओ तो बना देते हैं, और वहीं के लोग संभालते हैं, और वहाँ नशा छुड़ाऊ केंद्र और जो बुराइयाँ छुड़ाना वो चीज़ें वहाँ पर लगातार चलती हैं, तो ये लगातार हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। रही बात दूसरा आपका सवाल कि क्या राजनीति में, ये बचपन से हमने कभी सोचा भी नहीं था।
जी जी आपने कुछ ऐसा किया, अपने आदमियों को उसमें भेजेंगे या कुछ? जो सेवक लोग बहुत हैं आपके पास, बहुत सेवक लोग हैं जी जी, उनको भी कुछ आगे समाज सेवा करने के लिए या राष्ट्र के सेवा करने के लिए कोई ग्रुप या कोई पॉलिटिक्स पार्टी भविष्य में, अभी नहीं कह रहा अभी, एक दो साल तीन साल, नवा युवक लोग को नेता बनाने की कोशिश में करना चाहेंगे किया जाना जी? वही बात हम कह रहे थे कि हम इसमें कोई ये चीज नहीं रखते। हाँ, जो 125-26 कार्य हम लोग कर रहे हैं, पूरे लोग मिलके कर रहे हैं और लाखों लोगों ने वो फार्म भरे हुए हैं कि हाँ हम ब्लड डोनेट करेंगे। हम सफाई महाभियान मुंबई में किया था, आपको याद होगा शायद, यहाँ इस महानगर को 6 या 7 घंटे में पूरा साफ कर दिया था, और हो सकता है फ्यूचर में भी यहाँ के लिए भी ऐसा और सोचा जाए। तो वो लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पर वो पार्टी बना के और वो राजनीति में आने का ऐसा कभी सोचा नहीं जी। सो बाबा जी, जैसा अब चूंकि आप बॉलीवुड में हैं, बॉलीवुड के और प्रोफेशनल एक्टर्स जैसे ऋतिक हो या अक्षय वगैरह, उनकी तरह आप भी क्या कुछ वर्सेटाइल अपना एक्टिंग प्रूव करना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक आपने खाली MSG सीरीज की मूवीज़ ही की हैं, तो उसके बाहर भी क्या आप कोई और मूवीज़ करेंगे जैसे बॉलीवुड की टिपिकल मसाला मूवीज़ हो लाइक दबंग एंड ऑल दैट? हम मसाला तो नहीं ज़्यादा लगाएंगे और वो वाला मसाला कभी भी नहीं जिससे समाज बिगड़े। हाँ, बाकी सच्चाई वाला मसाला नहीं, वो हकीकत जो है वो हम करते रहेंगे। काफ़ी लोगों ने अप्रोच भी किया है, अभी जैसे ये मूवी आई, इससे पहले एक मूवी बन के तैयार हुई है, वो है ऑनलाइन गुरुकुल, तो उसमें ये दिख पूरा एक जैसे अवतार मूवी आई थी उससे भी एक वो बड़ी मूवी है जो 3 घंटे तक चली गई, हमने बहुत जोर भी लगाया कि कम हो, तो उसमें ये चीज़ें दिखाई गई कि पहले कैसे होता। तो इस टाइप की मूवी हम करना पसंद करते हैं कि जिससे समाज में बदलाव आए। हम कैसी एक्टिंग करेंगे कैसा नहीं वो तो आप लोग जाने। आपको MSG 2 अभी तक चल रही है, लगभग 1 साल होने वाला है, लोगों को बड़ी पसंद आई है, 5-6 शो उसके कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं, और हमें लगता है कि अगर आप लोगों को वो पसंद आती है तो हमारी की जो बात है एक्टिंग है वो सही है, और आपको अगर पसंद नहीं आती तो हमें लगता है हम और सुधारेंगे ताकि आज के नौजवान और उसको अच्छे से देखें और आगे बढ़ जाएं। बाकी अलग से कुछ वो मसाला मसूला कभी सोचा नहीं इस तरह। गुरुजी मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर लेफ्ट में हूँ, लेफ्ट में। हाँ जी, हाँ जी सर, आप अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हो? जी आप अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हो? किसको? बेटे को। बेटे को हाँ, उसका कभी इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज़ में, ज़्यादातर वो जो कार्य करता गेम्स वो बहुत खेला है, क्रिकेट का नेशनल प्लेयर रहा है, शूटिंग गन शूटिंग का नेशनल प्लेयर रहा है, लॉन टेनिस का, अब इसका बेटा भी आगे खेल रहा है, वो 10 साल का है, तो ऐसा उसका कोई ख्याल आ गया तो उसको लॉन्च कर देंगे, उसमें कोई डर नहीं कि कोई कुछ करना चाहे। बेटियों ने चाहा, जैसे अभी देखा आपने, ज़्यादातर डायरेक्शन जो है बेटी ने किया है, हमने इसको सिखाया 2 फिल्मों में पिछली, और इसने पूरा डायरेक्शन किया है और इसने एक्टिंग भी की है। आप जब ट्रेलर के शुरू में देखते हैं जो गन लेके कह रही है कि सर का एक भी कदम ऐसा नहीं होता, तो वो बेटी ही है, और एक दूसरी बेटी जो हमारी बड़ी बेटी है वो भी इसमें एज ए हीरोइन, वो हमारी एज ए सिस्टर हैं, तो ये इनको तो क्या, अगर वो चाहेंगे तो उनको भी ले आएंगे जब वो उनकी इच्छा होगी। थैंक यू सो मच, लेट्स प्लीज जॉइन अस फॉर लंच आउटसाइड एंड थैंक यू गुरुजी। जी आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आप सबको ताकत दे, शक्ति दे, ताकि समाज की बुराइयों को समाज से निकाला जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत।